व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डेटा माइनिंग? इस मॉड्यूल में हम फोकस करेंगे कि व्हाट इज द पार्ट ऑफ डेटा माइनिंग एंड व्हाट आर डिफरेंट अदर थिंग्स व्हिच आर रिलेटेड टू डेटा माइनिंग. व्हेन वी कम टू क्लासिक डेफिनेशन ऑफ डेटा माइनिंग, इन बुक्स वी फाइंड आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस. आई हैव जस्ट पिक्ड अ वन डेफिनेशन व्हिच इज क्वाइट अ सिंपल वन. फॉर एग्जाम्पल, द डेफिनेशन व्हिच आई हैव पिक्ड इज, इट इज रिलेटेड टू एक्सट्रैक्शन ऑफ इम्प्लिसिट previously unknown, potentially useful information from data. Now here I have focused on only three things, although there can be different other parts of this definition, but just for the simplicity, I will describe only these three parts. Number one part, that is implicit knowledge. What is implicit? There are two types of information. One is explicit and the other one is implicit. Explicit wo hissa hota hai jo dekhne mein nazar aa jaye. Just let's say, if I say that my age is 32 years old, then 32 is an explicit information. But if I say that I was born maybe 4 years before 90, then it becomes an implicit knowledge for which I have to apply some formula, some logic to get that information. Previously unknown. Now, what does this mean? ऐसी इंफॉर्मेशन जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है डाटा से, जिसको हम लोग नहीं जानते. व्हाट वी हैव टू डू सम डिडक्शन, इन्फ्रेंसिंग और लॉजिक पुटिंग टू गेट दैट इंफॉर्मेशन. सिमिलरली पोटेंशियली यूजफुल. अब होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल हमने कोई इम्प्लिसिट नॉलेज जो है अपने डाटा से निकाला, लेकिन वो यूजफुल नहीं है, तो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ डाटा माइनिंग. डाटा माइनिंग का हिस्सा क्या होगा? जो इन्फॉर्मेशन हमारी नीड को फुलफिल करे. Similarly, there are some other parameters of this definition which are not shown here, such as we commonly come across non-primitive information, that in data mining we should have non-primitive information. Primitive kya hota hai? Jo basic information hai, that is not much needed or not much useful. But non-primitive means that which is of the utmost importance, jo hamare liye bahut zyada zaruri ho. Ab hota isme hamare paas kya hai? After definition, we have to explore और एनालाइज लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाटा. हमारे पास डाटा माइनिंग की कब जरूरत पड़ेगी? जब हमारे पास डाटा मासली प्रोड्यूस्ड हो, बहुत ज्यादा मिकदार में हो, हमने उसको प्रोसेस करना है, उसे एनालाइज करना है. देन वी हैव टू अंडरस्टैंड डिफरेंट पैटर्न्स फ्रॉम दैट डाटा. पैटर्न से मुराद क्या है? पैटर्न से मुराद क्या है? ये चीज है कि ऐसे हिस्से जो किसी भी डाटा के अंदर कॉमन हो. कॉमन से मुराद क्या है? कि वो हिस्से जो अपने आप से बिल्कुल सिमिलर हों और बाकी डाटा से डिफ्रेंशिएट करें. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सम डाटा जिसके अंदर हमारे पास लेट्स से कि इम्प्लाइज की एक डाटा है जिसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसकी जेंडर है, उसकी हाउस इन्फॉर्मेशन है, रेजिडेंस की इन्फॉर्मेशन है, तो क्या होगा? अब जो हाउस रेजिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, एज है, जेंडर है, ये सब डिफरेंट हमारे पास पार्ट्स बनेंगे, और जो जेंडर की इन्फॉर्मेशन है वो हम जेंडर के ब्लॉक में रखेंगे. तो ये हमारे पास क्या होगा कि सिमिलर ब्लॉक्स होंगे. उसके अंदर से हम ये देखेंगे कि कौन से पैटर्न्स हैं. फॉर एग्जांपल, जेंडर्स में से हम फाइंड आउट करेंगे कि आइदर मेल इज प्रीवेलेंट और फीमेल इज प्रीवेलेंट, यानी कि मेल की मिकदार ज्यादा है या फीमेल की ज्यादा है. व्हाट इज नॉट डेटा माइनिंग? अब जब हम डेटा माइनिंग की बात करते हैं तो हमारे जहन में पहला क्वेश्चन आता है कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम कॉमन डीबीएमएस सिस्टम्स. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से डेटा माइनिंग कैसे डिफरेंट है? अच्छा, अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या क्यूरी प्रोसेसिंग से मुराद क्या है? कि जहां पर हम एक लेट से एसक्यूएल की क्यूरी लिखते हैं और टेबल से अपना डाटा उठा लेते हैं, क्या ये एक डाटा माइनिंग का स्टेप है? आंसर इज नो. रीजन क्या है? क्योंकि हमने डिफाइन ये किया था कि डाटा माइनिंग में हमें इम्प्लिसिट नॉलेज चाहिए, ऐसा नॉलेज नहीं जो डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर सकें. सिमिलरली एक्सपर्ट सिस्टम्स क्या है? कि जो सिंपल अजम्पशन देखते हैं, डाटा को देखते हैं और फिर अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं. अगर वहां पे कोई ऐसी इन्फ्रेंसिंग चाहिए जिसके लिए हमारा एक्स्ट्रा नॉलेज हमें चाहिए, प्रिडिक्शन वगैरह कर रहे हैं, तो दैट वुड बी डेटा माइनिंग. बट करंट एक्सपर्ट सिस्टम्स वुड नॉट बी पार्ट ऑफ डेटा माइनिंग. स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग. व्हाट इज स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग? स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग से मुराद ऐसा डेटा है या ऐसी प्रोग्रामिंग है जिसके अंदर हमारे पास स्टैटिस्टिक्स यूज हो रही हूं. स्टैटिस्टिक्स से मुराद क्या है? कि जहां पे हमारे पास कुछ ट्रेनिंग डेटा होगा, उस ट्रेनिंग डेटा में से हम कोई रूल अखज करेंगे एंड बेस्ड ऑन दैट रूल एक्सट्रैक्शन वी विल गेस समथिंग और ऑब्टेन आवर रिजल्ट्स. एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल, लुकिंग अप नंबर्स इन अ फोन डायरेक्टरी, इट इज नॉट पार्ट ऑफ अ डेटा माइनिंग प्रोजेक्ट. सिमिलरली क्यूरिंग अ सर्च वर्ड सच एज माई नेम, दैट इज उस्मान, ऑन
Google, that is not part of data mining. It is just simple web searching. Then data mining has different alternative names, and which you will come across in your books whenever you come across on internet. If I say that you search data mining on internet, then you will come across several names such as knowledge discovery in databases, knowledge extraction, pattern recognition, data archaeology, data dredging, information harvesting, business intelligence, and so on. यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अब कोशिश की है कि we move towards technical details of data mining, कि हम data mining की technical details में क्या करेंगे, क्या चीजें हमारे पास होंगी. Let's say what we have in this figure is we have data at the base place. This one is data. अब ये जो data है ये किसी भी type का हो सकता है, किसी भी source से आ सकता है. और what we want to find out is this knowledge. Data हमारे पास क्या है? Data is just source of data, जहां से हमने information उठानी है. और knowledge हमारे पास क्या है? That is our useful information or useful data. अब data से knowledge की तरफ move कैसे करना है? First, we have to find out what is our target data. Let's say कि जब अगर हम बात कर रहे हैं और हम YouTube की videos के let's say example लेते हैं, तो उसमें हम सिर्फ ये देखेंगे कि what is कि videos का data क्या है? ऐसा डाटा जो वीडियोस से रिलेवेंट हो. फॉर एग्जांपल, जब भी हम यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो देखते हैं तो उसके कमेंट्स होते हैं उसके साथ, उसकी एक एनोटेशन होती है. एनोटेशन वो पार्ट है जो वीडियो को डिस्क्राइब करती है, और कमेंट्स वो चीजें हैं जो लोग उस वीडियो के बारे में करते हैं. तो टारगेट डाटा हमारे पास बन गई जो स्पेसिफिक यूट्यूब की वीडियो है. उसके बाद हम इसे प्री प्रोसेस करते हैं. प्री प्रोसेसिंग से मुराद हमारे पास क्या है? डाटा की क्लीनिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर उसकी क्वालिटी सही नहीं है, और हम यूट्यूब के एग्जाम्पल दोबारा लेते हैं, तो क्या वो एक HD वीडियो है, हाई क्वालिटी हाई डेफिनेशन वीडियो है जो बड़ा अच्छा आइज को नजर आ रही है, या एक लो क्वालिटी की वीडियो है? अगर वो लो क्वालिटी की वीडियो है तो वी विल ट्राई टू इंक्रीज इट्स क्वालिटी. अच्छा, अब ये प्री प्रोसेसिंग के बाद यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफॉर्म डाटा है. ट्रांसफॉर्म डाटा से मुराद क्या है? कि ऐसा डाटा जो कंप्यूटर के करीब तरीन है. अब कंप्यूटर के करीब तरीन कौन सा डाटा होता है? विच इज इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स. और उसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं पैटर्न्स. अब पैटर्न्स हमारे पास क्या है? ऐसी चीजें जो सिमिलर टू ईच अदर है. फॉर एग्जाम्पल, अगेन यूट्यूब की अगर हम वीडियो लें और उस पर लेट से हम कहते हैं कि हम कोई एक पॉलिटिकल प्रोग्राम देख रहे हैं, तो उसमें हम ये फाइंड आउट करेंगे कि कौन से ऐसा एरिया है जो पॉलिटिशियंस की इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहा है, कौन सा ऐसा एरिया है या पार्ट ऑफ वीडियो है जो एंकर्स की इन्फॉर्मेशन को दे रहा है, और कौन सा ऐसा है जो एडवर्टीजमेंट दे रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट और फिगर आउट और सेपरेट ओनली दोज पार्ट्स ऑफ द वीडियो इन विच वी ओनली आर हैविंग पॉलिटिशियंस अलोन, तो वो हमारे पास ये नॉलेज का चीज बन जाएगी कि एंड में हमारे पास क्या है कि हमने कंप्लीट वीडियो ली. लेट्स से एक 20 मिनट्स की वीडियो थी जिसमें डिफरेंट पॉलिटिशियंस की इन्फॉर्मेशन थी, और हमने किया क्या कि सारी इन्फॉर्मेशन को रिमूव किया और सिर्फ वो पार्ट जिसमें पॉलिटिशियंस अवेलेबल थे वो हमने फाइंड आउट कर लिया. तो हुआ क्या कि डाटा से हमने मूव किया और नॉलेज की तरफ मूव कर गए. फाइनली, व्हाट इज डाटा माइनिंग और इसमें कौन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं? डाटा माइनिंग में बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं जिनमें, फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैंने स्टैटिस्टिक्स की जैसे हम बात करते हैं, कोई ऐसा डाटा जिसमें स्टैट्स का सब्जेक्ट इन्वॉल्व हो, इससे मुराद क्या होता है? जहां पे हमारे पास कोई काउंटिंग में नंबर्स वैल्यूज मौजूद हो, ट्रेनिंग डाटा अवेलेबल हो. देन मशीन लर्निंग, दिस इज एन इमर्जिंग फील्ड एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू डाटा माइनिंग, और इस कोर्स में हम बहुत ज्यादा फोकस इस पर करेंगे. एंड देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिंपल एक ब्रांच ऑफ साइंस है विच गिव्स एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस. तो बेसिकली ये तीन मेजर हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं. इन एडिशन टू दीज, वी विल ऑल्सो लुक इन टू सम मैथमेटिकल मॉडल्स ड्यूरिंग दिस कोर्स.